संजू सैमसन को भारतीय टीम में लंबे समय से मौका नहीं मिल पा रहा है। अच्छे प्रदर्शन के बावजूद सैमसन या तो बेंच पर बैठे रहे हैं या उन्हें टीम में ही नहीं चुना गया है। इस बीच खबर आई है कि सैमसन के पास आयरलैंड के लिए खेलने का ऑफर आया है। उससे पहले अगर आप संजू सैमसन के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को लगातार भारतीय टीम में मौका मिलने का मामला बढ़ता जा रहा है। घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के अलावा संजू सैमसन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनडे क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। सैमसन को लगातार भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उन्हें जो छुटपुट मौके मिले हैं उनमें ही सैमसन ने अच्छा प्रदर्शन किया है और रिकॉर्ड उनके पक्ष में है। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में भी संजू भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। IPL में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करने वाले संजू सैमसन के फैंस बड़ी संख्या में हैं और लगातार उन्हें भारतीय टीम में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। फीफा विश्व कप के दौरान भी संजू के फैंस कतार में उनके नाम का पोस्टर लेकर पहुंच गए थे। हालांकि इन सब के बावजूद सैमसन को लगातार टीम इंडिया में मौका नहीं मिल पा रहा है। इस बीच खबर आई है कि संजू सैमसन को आयरलैंड के लिए खेलने का ऑफर मिला है, लेकिन उन्होंने यह ऑफर को ठुकरा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने संजू सैमसन से कहा कि वह आयरलैंड के लिए खेलेंगे तो उन्हें देश के लिए हर मैच खेलने का मौका मिलेगा। हालांकि सैमसन ने अपने देश को करियर से ऊपर रखते हुए कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के लिए नहीं खेलना चाहते हैं, वह सिर्फ भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। संजू ने इस जवाब से एक बार फिर से सभी भारतीय फैंस का दिल जीत लिया है। इससे पहले विश्व कप टीम में नहीं चुने जाने पर भी संजू ने कहा था कि वह पंत, उनके दोस्तों और चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करते हैं। दरअसल T20 विश्व कप टीम में पंत को मौका मिला था, वही टीम का हिस्सा नहीं थे। इसके बाद पंत को जमकर ट्रोल किया जा रहा था, तब सैमसन ने उनका समर्थन किया था। संजू सैमसन ने भारत के लिए 16 T20 मैचों में 21.44 की औसत और 135.15 के स्ट्राइक रेट से 296 रन बनाए हैं। वहीं 11 वनडे मैचों में उन्होंने 66 की औसत से 330 रन बनाए हैं। लगातार मौका मिलने पर संजू बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और भारत के लिए कई मैच जिताऊ पारियां भी खेल सकते हैं। अब बात करते हैं संजू सैमसन ने इस ऑफर को क्यों ठुकराया। अगर संजू सैमसन आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड का ऑफर स्वीकार करते तो BCCI के साथ अपना अनुबंध खत्म करना होगा। इस स्थिति में वह IPL से बाहर हो सकते हैं। उन्हें BCCI की तरफ से मिलने वाले पैसे का भी नुकसान होगा। अगर संजू सैमसन आयरलैंड से क्रिकेट खेलेंगे तो उन्हें पैसा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड BCCI के बराबर सैलरी देने की आयरलैंड की बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि संजू सैमसन को आयरलैंड ऑफर क्यों दे रहा है। अगर उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और संजू सैमसन के लिए यार सब्सक्राइब तो बनता है। आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड को एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश है जो टीम की कप्तानी कर सके। संजू सैमसन IPL में राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान हैं। बतौर कप्तान उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। इस साल उनकी टीम फाइनल में भी पहुंची थी, इसी वजह से आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पर भरोसा जताया है। हालांकि इस बारे में आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड या संजू सैमसन की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सैमसन के पास आयरलैंड के लिए खेलने का ऑफर था। तो आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन ने आयरलैंड का ऑफर ठुकरा कर सही किया है? कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा।